गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल हरियाणा। गौ हत्या रो अब तुम्हारी, गौ हत्या रो अब तुम्हारी। महान गो सेवक हरपुल जाट चुलानी वाला, गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल हरियाणा। गौ हत्या रो अब तुम्हारी, गौ हत्या रो अब तुम्हारी, गौ हत्या रो अब तुम्हारी। महान गो भगत गो सेवक हरपुल जाट चुलानी वाला, महान गो सेवक हरपुल जाट चुलानी वाला, महान गो भगत हरपुल जाट चुलानी वाला। गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल हरियाणा। सारे दर्शक ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। और इस टाइम जो बिना ब्रेक जो जिंदाबाद के नारे हरियाणा गोरक्षा दल के, और भाई जो खैर नहीं किसकी, गो हत्यारा की यानी कि गऊ के कातिला की, उनकी खैर नहीं उन कसाइया की। तो फिलहाल यह है गोरक्षा आर्मी। फिलहाल आचार्य जी जो गोरक्षा दल हरियाणा के अध्यक्ष हैं, वो इस बीच में पहुंचे हैं। बारूद का सुत्ता भरिया गया है, कुछ ईसा बारूद भी है जिसको हम कैमरा पर नहीं दिखाना चाहते, वो भर दिया गया है। लेकिन उन कसाइया का फटका जरूर बैठ जाना चाहिए आज की इस मीटिंग ने देख के। अगर भाई कदे तारा खाम गई तम ईसा बड़ोखा में भी गाय ने तम मारोगे और ये चुप रहोगे। भाई मारा और रोण बिंदु ईसा नहीं हो सकता, तमने मतलब तारी श्यामत ए ली। केवल कसाइया की नहीं, गौ हत्यारा की नहीं, सरकार की भी जो गाय का नाम पकड़ पकड़ करेंगे। तो आचार्य जी मार दर्शक ने राम राम। मैं संसार क्रांति के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम है, नमस्ते है। और जो भी दर्शक संसार क्रांति को देख रहे हैं वो शेयर भी करे, सब्सक्राइब भी करे, ये मेरे आपसे निवेदन है। भाई ये लाइव चल रहा है इस टाइम, सारे अपना एंड्रॉइड फोन काटो, इन्हें शेयर करो, गले गले शेयर करो। कुछ ऐसी ताकतें भी जो नूचा गाय ना बचे। इबाम देखो अपनी यह गौ सेवा आर्मी है, गोरक्षक दल है, तो इस आर्मी का हर योद्धा फौलाद है। तम नु बताओ योद्धा या बोद्धा, योद्धा या बोद्धा, योद्धा या बोद्धा, तम के बनोगे, के बनोगे, के बनोगे। चलो अच्छा आचार्य जी देखो गाय का नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाए हैं। कुछ चीजें ऐसी अभी जो आपकी जो मीटिंग हुई है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और के ऐसा आपने इसमें इनमें बारूद भरिया है जिस तरह मतलब एक ऐसा सिस्टम हो सके भी जो कठुए हैं या कसाई हैं जो गौ हत्यारे हैं उनकी पिंडी काम जाएंगे, बताओ। आज ये जिला स्तरीय बैठक रखी गई है और इसमें हमने जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक की कार्यकारिणी और ग्राम स्तर की कार्यकारिणी का गठन किया है। और जितने भी युवा साथी आए हैं ये अपने अपने गाँव में कम से कम 11-11 आदमियों की कार्यकारिणी गठित करेंगे। और इस अभियान को लेकर के जैसे हमारे शहीद भगत सिंह को जिन्होंने अपनी शहादत देश की आज़ादी के लिए दी, वो कुछ लोग थे तो उस समय अंग्रेजों ने उनको क्रांतिकारी और शहीद कहने की बजाय आतंकवादी कहलवा दिया। उसका कारण ये रहा कि उसके पीछे जो लोग देशभक्त खड़े होने चाहिए थे वो नहीं खड़े हो पाए। आज भी उनको हमारे साहित्य में हमारे इतिहास में आतंकवादी कहा जाता है। तो हमने आज इस बात को पलट दिया है कि गोरक्षा दल के जितने भी युवा साथी है जो गाय के लिए मरने मारने के लिए तैयार हैं उनको हमें गुंडा या उनको हम किसी भी प्रकार का आतंकवादी नहीं कहलवाने देंगे। उनके पीछे लाखों लोग पूरे हरियाणा में खड़े होंगे और जो उनकी अगर शहादत भी देनी पड़ी तो बेकार नहीं जाएगी। आचार्य जी इनको सुविधाएं देने की बात आऊगी, फैसिलिटी देने की बात आऊगी, कानूनी मदद की बात आऊगी। कई बार हम देखा ये बेचारे रातों रात पात्र पड़े हैं इनके कठुए के कसाइयों के, लेकिन कानूनी मदद में या वो इस तरह की कुछ जाब्ता बांध लिया ताकि ये जो गोरक्षक दल इनको कार्ड देने की बात हो रही है, अभी कार्ड मिलेंगे।
तो वो जाब्ता भी बांध लिया इनको मजबूती देने वाला कोई, ताकि ताकि जब योद्धा मैदान में उतरा है तो हथियारों के साथ उतरता है, तो इस तरह की तैयारी है इंटरनल कुछ? हाँ, हमारा जो गोरक्षा दल हरियाणा संगठन है उसमें हम जो आइडेंटिटी कार्ड भी बनाते हैं और जो हमें तस्करों से लड़ने की जो तैयारी की बात आपने ट्रेनिंग की वगैरह, हाँ, वो पूरी ट्रेनिंग दे करके हम लोग रखते हैं, और जो जो तस्कर पत्थर मारते हैं या गोलियां चलाते हैं तो हम अपनी छाती अड़ा करके उनसे मुकाबला करते हैं। और इस हरियाणा से गो तस्करी हम बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संगठन की तरफ से जितने भी गोरक्षा दल के सदस्य हैं उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता सहायता की पड़ती है, चाहे उसके ऊपर कोई केस लग जाता है, चाहे उसके ऊपर कोई हमला हो करके कोई उसके चिकित्सा करवानी है, तो पूरा खर्चा पूरा गोरक्षा दल हरियाणा उसकी सहायता करता है। आचार्य जी, एक चीज और पूछूंगा, जिस तरह सैमी एक तरफ अपनी माँ है, गाय माँ, और उसकी बचाने की जी बात आओगी, और कटुए हैं सैमी, कसाई है, मेवाती हाल आ गया, आपने मेवात में अभियान चलाया, लगभग 70-80% कवर भी हो गया वो मामला, भाई बुचड़खाने बंद हुए हैं, तो उस स्थिति में बिंडे बंडे मारने की कोई बात आएगी भाई? आपके जो गोरक्षक दल की जो टीम है, जब बिंडे मारने की बात आओगी उसमें बताओ इनके हाथ फ्री हैंड कर रखेंगे नहीं, या चीज में खुलकर पूछूं कद खाम खाई वो काम हो जाए, बिना नेजुर बिना बाल्टी पानी लाओ कट गए, क्योंकि वो भी गलत है ना। देखिए, कर्मू जी ने मेरे को ऐसा सवाल कर दिया है कि भाई ये जैसे कुछ संगठनों के पदाधिकारी सत्य बात को कहते हुए बोलते हुए डरते हैं, तो मैं महर्षि स्वामी दयानंद जी का सिपाही हूँ और आर्य समाज की भट्टी से तप करके निकला हुआ हूँ, तो इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं है और हम वेद को मानने वाले लोग हैं। तो वेद में ये लिखा हुआ है गो हत्यारे को शीशे की गोली से भीन देना चाहिए, ये वेद में लिखा हुआ है, वेद की आज्ञा है, तो इसलिए वेद की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। अब हम गाय को काटने वाले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, शिवाजी महाराज ने गाय काटने वाले का हाथ काट दिया था, तो इसलिए हमें यदि कोई गो तस्कर गो हत्यारे की जान लेनी पड़े कतई हम कोई भी परहेज नहीं करेंगे। और जो गोरक्षा दल में जुड़े हुए युवा साथी हैं उनके भी हमने खुले हाथ छोड़ रखे हैं कि गो हत्यारे को चाहे किसी भी हालत पे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, अब उसकी खैर नहीं है। एक ताड़ी बजा दो फ्री हैंड करने पर भाई, तेज ताड़ी, आवाज क्यों नहीं? अच्छा, एक बार चेक करिए कबीर, आवाज क्यों नहीं आ रही है? चेक कर ले एक बार, आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज आ चुकी है। अच्छा, दूसरा आचार्य जी एक बात और हो जाए, कई बार एक तरफ है गोरक्षा दलाले, एक तरफ है मेवाती या कटवे या कसाई गौ हत्यारे, जी पुलिस द्वारा मामला चला जावा है, ओड़े बड़ी कसमकस बना है, गोरक्षक दलाले के भीतर नू धक 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 नू रोया, भाई पंगा तो ले लिया कदे पुलिस वाले मन ने मेरी ये रेल बना दे, तो ओड़े भी प्रशासनिक मदद का भी थोड़ा एक दिलासा दे उनको आप। देखिए, अभी तक अपने गोरक्षा दल हरियाणा का जो संगठन है, आप में से एक भी व्यक्ति को पूरे हरियाणा में आप घूमना ऐसा नहीं मिलेगा अपने संगठन का आदमी कि भी हमने ये काम गोरक्षा दल में किया और पुलिस प्रशासन ने हमारे पर केस लगा दिया तो हमारे को संभाला नहीं। तो हम लोग तुरंत संभालते हैं और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी धक धक नहीं रहती, सब कार्यकर्ता ऐसे हैं जैसे दीवार के मारोगे तो टन की आवाज आएगी, ऐसे कार्यकर्ता हैं। जेल जाने से गाय माता के लिए, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी हो, चाहे गोली लगे, चाहे पत्थर लगे, चाहे ईंट लगे, चाहे पुलिस के डंडे लगे, कोई परहेज नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता गोरक्षा दल हरियाणा का नहीं डरेगा। और रही बात है, अब जो पुलिस का सहयोग हमारे को जैसे मेवात में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ कसाईयों के ऊपर पुलिस प्रशासन पूरी सख्ताई से कार्रवाई करता है, न कि गो भक्तों के ऊपर, तो अब सरकार की तरफ से हमारे को ये आश्वासन रहता है कि भी आप एक गो माता को बचाने का अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इसलिए आपके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आई। दो तीन टेक्निकल चीजें हैं आचार्य जी, गो थेरेपी की बात कर लो, पंचगव्य, हालांकि राजीव भाई दीक्षित द्वारा एक चीज चलाई गई थी भाई चुनो इसका वो करा आप या चीज लागू हो जाए उस चीज को बात कर लो, या फिर गो थेरेपी की बात कर लो, या फिर नस्ल सुधार की बात कर लो, या बात कर लो अमरीकन जो सांड है उनकी नसबंदी की बात कर लो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस तक गाय की कदर हो सके है। ये चीजें बस्ते मतलब ठंडा बस्तम पड़ी है और मतलब बात तो कहीं इस पे एक बार दो स्पष्टीकरण। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है ये जो कार्य है ये यथा राजा तथा प्रजा,
जैसे राज सत्ता जिस कार्य को चलाना चाहे वो कार्य चल जाता है और सब लोग मानते हैं। आज किसान वर्ग पूर्ण रूप से परेशान है, जो सांड बेसारा जो सांड घूमते हैं उनके कारण से किसान भी परेशान है। तो इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आपने गो सेवा आयोग बनाया हुआ हरियाणा के अंदर बना हुआ है, तो उसमें जो आपने भाई कर्मू जी ने बात करी है कि गो थेरेपी की, तो हॉस्पिटलों में गो थेरेपी लागू होनी चाहिए, गौशालाओं में जो प्रोडक्ट बने उनको सरकार हॉस्पिटलों सरकारी संस्थाओं उनको खरीद करके उनको वहाँ बेचना, उनको यहाँ उचित कीमत पर ये कार्य होना चाहिए। तीसरी बात आपने करी है कि नस्ल सुधार, नस्ल सुधार अति आवश्यक कार्य है। जितने भी एनिमल हस्बेंड्री हमारे हॉस्पिटल है, NDRI करनाल है, तो इस कार्य को सरकार द्वारा किया जा सकता है और सरकार बड़ी आसानी से कर सकती है और जो बेसहारा सांड है उनकी नसबंदी करके इस कार्य को कर सकती है। तो इसलिए मैं हरियाणा सरकार से निवेदन भी करता हूँ, जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के जो प्रशासनिक विभाग है उसको इसी कार्य पे लगाना चाहिए ताकि बहुत बड़ी मात्रा में नस्ल सुधार हो जाए, तो ये गाय घर घर बंद जाएंगी और बेसहारा गोवंश यहाँ नहीं रहेगा। आचार्य जी एक और सवाल है, जलेबी बरगा सिद्धर करेला बरगा मीठा, अब तक जितने भी CM हरियाणा में आए हैं, चाहे चौटाला उड्डा या फिर भजन लाल बंसी लाल देवी लाल, अपनी जो CM है उस चंडीगढ़ में देसी गाय बंधार दी, पहला ऐसा चांस देख रहे हैं CM है उस चंडीगढ़ में तो देसी गाय गायब है, तो एक तो तसल्ली करवा लो इस बात की भाई बंद रही है नहीं, हमारे पास तो यही रिपोर्ट है को नहीं काट दी उड़ते, अरे जब नहीं बंद रखी तो यह बंदवाई जावे ताकि इस बात का तो ये तो फिर एक कलंक हो गया अपना हरियाणा पे, तो जिस गाय के लिए रुके मारे हैं है? जड़ा गाय बंद हर दिन उड़े कोई कोई बाहर का आदमी बिठा दिया, गाय तो घट दी उसमें तो झुबड़ी में है, अरे कोड़ा बना दिया बढ़िया ऑफिस किसी बाहर का बंदा का, तो यह चीज़ और मैं चाहूँगा जी, हम तो कहूँ बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे पे बाकी थे हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो यह चीज़ क्या करो चेक कराओ। आगे कर्मू जी ने एक सवाल पूछ दिया, इसका जवाब तो वैसे सवाल है मुख्यमंत्री का, देंदे तो मारे जवाब हुए तो मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे, इनका कहना ये है कि भाई आपने बताओ जन नहीं बंद रही गए ठीक है गलत ना नहीं बंद रही, अभी ये बंद हुई नहीं है, मैंने उड्डा के सरकार में भी देखी थी और चौटाला सरकार में भी देखी थी वहाँ, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं कि माड़ा कर रहे हैं तो? नहीं ये अच्छा कार्य नहीं है, मुख्यमंत्री आवास पर पहले गोवंश वहां रहता था तो गाय माता जरूर होनी चाहिए, जहां पर गाय है वहां सब कुछ बुद्धि सात्विक होता है, तो इसलिए यत्र जैसे हम इन्होंने एक नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ गाय माता की पूजा होती है, जहाँ गाय का आदर सत्कार होता है, जहाँ नारी का आदर सत्कार होता है वहाँ कौन निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं, वहाँ सात्विक वातावरण होता है। तो ये हरियाणा जहाँ दूध दही घी का खाना, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से संसार क्रांति चैनल के माध्यम से कि आप अपने निवास स्थान पर एक गाय तो प्रत्येक घर एक को पालो, गौ माता के प्राण बचा लो, तो एक गाय ज्यादा नहीं बांध सकते तो एक गाय जरूर बांधे और आप गौ माता का दूध पिए, ये मेरा निवेदन। आचार्य जी एक सवाल और है, अपना जो गौ सेवा आयोग है उसमें एक लाइन लिख रखी है बिना काम की गाय खतर 27 पीसे, कांग्रेस 6 पीसे दिया कर दी हम 27 पीसे दे घना बड़ा काम कर दिया, मतलब बिना काम की गए लावारिस आवारा पशु, ये मतलब ये जो लैंग्वेज है आचार्य जी इस पर भी मेरा वो है एतराज हमारा, हालांकि लोगों की ही बात है जो हम आप तक पहुंचाने लग रहे हैं, लावारिस कहना आवारा कहना बिना काम की गाय कहना और 27 पीसे का नाम पर राजनीति करना और एक किस्म तक गाय का गऊ का जायप है एक किस्म तक उसके ऊपर धोखेबाजी वाला काम करना, आप बताओ इसका स्पष्टीकरण होते हो। देखिए इसका स्पष्टीकरण ये है, ये मांग लंबे समय से उठती आ रही है, पहले हम लोगों ने उठाई थी गौशाला संघ के माध्यम से भी, गोरक्षा दल के माध्यम से भी, प्रत्येक गाय को 15 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए, परंतु वो अभी तक नहीं मिला और अभी जैसे आप बता रहे हैं कि भी 1 रुपया 20 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां एक गाय के प्रतिदिन के 40 रुपए मिलते हैं। अच्छा 40 रुपए मिलते हैं, 40 रुपए मिलते हैं। गाय के नाम पर राजनीति किसने करी थी, सत्ता पक्ष अभी जो हरियाणा में इन्हें राजनीति करी और ये तो दे रहे 27 पीसे बिना काम की गाय का कह खातर गाय कह गए और राजस्थान में जो कांग्रेस है उसमें 40 रुपए दे रहे हैं, तो फिर गाय के रक्षक कौन हो फिर
हालांकि हम राजनीति में जाना चाह रहे, लेकिन एक चीज सोचने की है। ये बात आपकी सही है, हरियाणा सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। राजस्थान में नहीं, दिल्ली में भी 30 रुपए 35 रुपए मिलते हैं, और यूपी में भी योगी जी ने 30 रुपए कर दिए हैं, वहां भी मिलते हैं। और हरियाणा नंबर वन, हरियाणा बोलते हैं कि भी हरियाणा नंबर वन है, और सबसे जीडीपी भी इसकी सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने भी 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गाय के कर देने चाहिए। आचार्य जी, आपने लगता नीति खराब है सरकार की? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जरूर संदेह है कि आप यदि गौ माता को अभी लंपी बीमारी भी है, गौशाला में चारा भी समाप्त है, और ये राजा का कर्तव्य बनता है कि मेरे राज्य में यदि कोई प्राणी दुखी है तो निश्चित रूप से उसकी सहायता, सबसे पहला व्यक्ति यदि कोई है तो वो राजा होता था, राजा ही करता था। तो इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी और अनुरोध भी, और लाखों गौ भक्तों की आवाज भी, और संसार क्रांति समूह की तरफ से भी ये पीड़ा आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें जो लोग देख रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी सवाल है आपको, मैं सुन रहा था अभी, आप कह रहे थे भी मैं ये जो गाय की सेवा की बात करो, रक्षा की बात करो, चुटकिया में इलाज है इसका, आपने थेरेपी की बात कर ली थी, नुबिका अभी ये जितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये तो सरकार के बचेंगे, इनकी जरूरत को नहीं, गाय के ऊपर से पूरा काम कर लो, सारी चीजों का इलाज हो जाएगा, वो एक बार एक लाइन में और बताओ क्या तरीका है उसका? तरीका ये है, हमारे देश में सोने की चिड़िया भारत को कहा था, वो सोने की चिड़िया का उसका दो ही कारण थे, एक तो किसान और एक गौ माता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने पूछा कि भाई ये हॉस्पिटल बंद हो सकते हैं या बेरोजगारी समाप्त हो सकती है, गाय के द्वारा सब कुछ ठीक हो सकता है। एक भी व्यक्ति 108 बीमारियां गोमूत्र पीने से ठीक हो जाती, इसलिए हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, इस पूरे देश में 1 सेकंड में 3 बच्चे पैदा होते, हम यूं मान ले 2 बच्चे पैदा होते, एक बच्चे के पैदा होने पर हॉस्पिटल में पैदा होते 20,000 रुपए खर्च कम से कम आता है, तो 2 बच्चे पैदा होने पर 40,000 रुपए हो गया, 1 सेकंड में 2 बच्चों पर 40,000 रुपए खर्च होते पैदा होने पर इस देश में, और 1 मिनट में कितने हो गए, 40,000 को 120 से गुणा कर दो, करोड़ों का बजट जाएगा, और 1 दिन में कितने, कई अरबों रुपए 1 दिन में इस देश पर बच्चे पैदा होने पर खर्च होता है। मैं एक थोड़ा सा उपाय बताता हूँ, थोड़ा सा इतना सा गोबर लीजिए, उसको कपड़े के अंदर डालिए, 2 चम्मच रस निकालिए, उस चम्मच रस को आप किसी भी महिला पीड़ित जो जिसके दर्द शुरू हो गया है उस महिला को पिला दो, 20 मिनट में बच्चा पैदा हो जाएगा और देश के करोड़ों अरबों रुपए बच जाएंगे, और वो बचे हुए रुपए आपने युवाओं में बेरोजगारी के लिए बांट देने। चलो, ये फार्मूला भी दिया है आचार्य जी ने, और मैं एक के बात कहूंगा भाई, गाय के नाम पे चाहे तो नीति बनाओ ना, अर्ज बनाओ तो फिर बुकाओ ना। फिलहाल एक बड़ा मुद्दा था यू भाई, सरकार जब करेगी नहीं तो कौन करेगा, तो बिल्ली का गड़ा में घंटी बांधे कौन, तो ये मोर्चा से मार लिया गोरक्षा दल हरियाणा ने, और खुले हम कह दिया कटुआ थे, कसाइया थे, गौ के हत्यारा थे, खुली वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है, आजो हिम्मत है तो शामी है के मैदान में लड़ो, और सीधी बात है मारी माँ बचानी है, चाहे तो मर जाएंगे और नहीं तो मार जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा देसी पत्रकार करमू, जय हिंद जय हरियाणा। एक बार बोलियो भाई, जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान, गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल हरियाणा। शेयर कर लियो भाई, अपनी माँ खातर शेयर कर लियो शेयर।